तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एक नए तरीके का एक्सपेंडर जिसे हम स्विगिंग टूल भी बोलते हैं। तो क्या काम आता है आप में से कई सारे दोस्तों को इसके बारे में पता भी होगा, और अगर आप एसी फ्रिज का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी ये टूल है। तो आपको बता दूं कि इससे पहले हमने ये वाला स्विगिंग टूल के बारे में बताया था जिसे हम एक्सपेंडर भी बोलते हैं। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख लीजिए, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। और आज मैं बताने वाला हूँ इसके बारे में भी, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है। अगर ये वीडियो देखने के बाद में आपको पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी नहीं है क्योंकि हम प्राइवेट कुरियर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती। तो चलिए फटाफट खोलता हूं और इसे आपको डेमो दिखाता हूं कि कैसे काम आता है ये। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसे खोल के दिखाता हूँ। और ये देखिए, ये है इसका टूल और किस तरह से इस्तेमाल करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसमें पढ़ने की और आपको समझने की जरूरत नहीं है। और इसकी साइज की बात करें तो ये देखिए 1/4 से लेकर के 7/8 तक का इसमें आपको साइज मिलेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका हैंडल है, आप इसे इस तरह से घुमा सकते हैं। ये देखिए, ये हैंडल इस तरह से घूम जाएगा और इतना इजी टू यूजफुल है कि आप इससे जब काम करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप इससे काम कर भी रहे, इतना स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ है ये। और ये हैंडल इतना फोल्ड वाले कि आप इसे इस तरह से और इस तरह से आप अपने बैग में रख सकते हैं। और ये वैल्यू कंपनी का, आप में से काफी सारे दोस्तों को पता है कि वैल्यू कंपनी के वैक्यूम पंप भी आते हैं और कई सारे टूल भी आते हैं, तो सेम ये उसी कंपनी का है ये वाला टूल भी। और देखिए ये काम क्या आता है कि आपको इस तरह का कोई कॉपर पाइप का मुंह फैलाना हो तो ये उसी के काम आता है कि उसका मुंह आप इससे बड़े ही आसानी से फैला सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसको इसमें डाल के और इस तरह से धीरे धीरे इसका मुंह को आप गोल कर सकते हो इस तरह से। ये देखिए, इसका मुंह हो गया, फैल गया इसका मुंह। अब इसके अंदर आप सेम इसी साइज का हाफ का पाइप इसमें लगा के उसे जॉइंट कर सकते हो। तो ये एक तरीके के आपको स्विगिंग का काम करता है, इसे हम स्विगिंग टूल भी बोलते हैं और एक्सपेंडल भी बोलते हैं। इसके जरिए आप कॉपर पाइप भी और एल्यूमिनियम के पाइप का भी आप आराम से मुंह इस तरह से फैला के दूसरे पाइप को इसमें डाल के जॉइंट कर सकते हो, तो ये इसी के काम आता है। अब देखिए, मेरे पास में ये हाफ का पाइप नहीं है, ये छोटे वाले दो पाइप है, 1/4 का साइज है ये। अब देखिए, मैं इसके अंदर ये वाले को डालता हूँ और इसका मुंह फैलाता हूँ। ये देखिए, मैंने इसका मुंह फैला दिया और इस वाले पाइप को मैं इसमें लगा के, ये देखिए इस तरह से इसमें इसके पाइप को लगा के अब आप इसे आराम से जॉइंट कर सकते हो। तो ये स्विगिंग के काम आता है, एक तरीके से कॉपर पाइप के और एल्यूमिनियम के पाइप के मुंह को फैलाने का काम करता है। ये फ्लेयरिंग टूल का काम नहीं करता, फ्लेयरिंग टूल का काम इस तरह से होता है जैसे कि यहाँ पे ये फ्लेयरिंग कर रखा है, ये उस काम का नहीं है, सिर्फ मुंह फैला के पाइप को जोड़ने के काम का है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। और ये बिल्कुल इस तरह से फोल्डेबल है, आप इस तरह से इसे फोल्ड करके अपने बैग में रख सकते हो। तो इससे पहले हमने ये वाले टूल के बारे में बताया था, ये फोल्डेबल टूल नहीं है। चलिए मैं इसे भी खोल के दिखाता हूँ आपको। और ये इस तरह का टूल है, तो ये पूरी सुम्मी आधी आधी होती है। ये देखिए, इस तरह से जब हम इसे फैलाते हैं तो ये इस तरह से इसका मुंह होता है। तो देखा दोस्तों, कितने यूजफुल टूल है ये जिसे हम एक्सपेंडल भी बोलते हैं। यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, वहां पे क्लिक करके आप इसे हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी नहीं है क्योंकि हम प्राइवेट कुरियर सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंडिया पोस्ट, ब्लू डार्ट, फीडेक्स, इकम एक्सप्रेस, इस तरह की कुरियर सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया। और यदि आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो उसके बारे में भी नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको काफी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। जब भी नया वीडियो डालेंगे, हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।